नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, रेबड़ी बोलकर जनता का अपमान न करें। कहा, लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। कर्नाटक में भाजपा के मंत्री महिला को मारा थप्पड़, विरोध के बजाय महिला ने पैर छुए, जमीन नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंची थी। हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा, सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है, सभी देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वालों से मुक्त होगा। आज बंगाल में दिखेगा चक्रवाती तूफान सितरंग का प्रभाव। एनडीए ने जारी की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अल्टीमेटम, सोमवार सुबह तक इस्तीफे दें 9 वाइस चांसलर। फतेहपुर में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी पटली, 2 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे, वंदे भारत समेत कई ट्रेन प्रभावित। कंटेनर में घुसी कार, एक परिवार की 5 लोगों की मौत, पति पत्नी मां और 2 बच्चे समेत पूरा परिवार खत्म। लखनऊ से दीपावली मनाने घर जा रहे थे। शव को लेकर एसडीएम आवास पहुंचे परिजन। हरियाणा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग, होटल की छत से कूदने से हुई थी दवा कारोबारी की मौत। बागपत में पुलिस ने गरीबों के साथ मनाई दीपावली, मिठाई खिलाकर बच्चों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, असहायों को भेंट किए उपहार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल, दूसरा मौके से फरार। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना तय, जॉनसन दौड़ से बाहर, 155 सांसद कर रहे हैं सुनक की सपोर्ट, पेनी के साथ सिर्फ 25 सांसद। सोमालिया के होटल में फिर हमला, 9 की मौत, आतंकियों ने दंदाधुन फायरिंग की, 2 महीने पहले हयात होटल पर हुआ था हमला। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस, पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण, यहां से G20 समिट के लिए बाली जाएंगे। अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, इजरायली राष्ट्रपति ने भारत को दी बधाई, बोले हैप्पी दिवाली। राशिद को लेकर बड़ा खुलासा, हमले के बाद लेखक को खो दी थी एक आंख की रोशनी, एक हाथ भी नहीं कर रहा था काम। दशकों याद रहेगी कोहली की पारी, पाक के खिलाफ टीम 67 रन बनाए, विराट ने अकेले 82 रन ठोक की पाली गिफ्ट दिया। पाकिस्तान से जीत मिलते ही भागे चले गए रोहित, विराट और कंधे पर उठाकर मनाया जीत का जश्न। पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद मना जबरदस्त जश्न, लगे कोहली और भारत माता की जय के नारे। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले राष्ट्रगान के समय रोहित शर्मा हुए इमोशनल, इस पल को जीना एक गर्व का विषय होता है। पिता को याद कर हार्दिक पांड्या की आंखों में आए आंसू, जीत के बाद कहा, मैं केवल अपने पिताजी के बारे में ही सोच रहा था। जानवी कपूर ने शेयर किया BTS वीडियो, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में कराया ग्लैमरस फोटोशूट, फैंस बोले नजर ना लगे। विराट की शानदार पारी पर अनुष्का ने किया रिएक्ट, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा, ये आपके कैरियर की बेस्ट इनिंग थी। प्रेगनेंसी के बाद काम पर वापस लौटी सोनम कपूर, आगे आने वाली फिल्म के लिए कर रही हैं वेट लॉस, बेटे के जन्म के 60वें दिन पहुंची जिम। गिरती बची हिना खान, कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ मोमेंट, एकता कपूर के दिवाली पार्टी में आई नजर।
थाई मसाज का ट्रेलर हुआ रिलीज, 70 की उम्र में थाईलैंड जाने वाले बुजुर्ग बने गजराज रवि। हंसी मजाक में फिल्म देंगी इमोशनल मैसेज। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।